ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जग नारायण का विदाई समारोह शुक्रवार को यातायात कार्यालय पर आयोजन किया गया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जग नारायण का वर्ष 2006 में जनपद गोरखपुर में हेड कांस्टेबल पद पर तैनाती हुई थी। बाद में पदोन्नति के बाद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का पद मिला। मूल रूप से गाजीपुर के निवासी जग नारायण बड़े ईमानदार स्वभाव व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। जग नारायण ने अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम किया और अपने रिटायरमेंट के दिन भी ईमानदारी दिखाते हुए सड़क पर गुमशुदा मिला पर्स, जिसमें जरूरी कागजात सहित 15,000 नगद रुपए मिला था, पर्स स्वामी को वापस किया। विदाई समारोह में जग नारायण को स्मृति चिन्ह और भारी मात्रा में उपहार भेंट किया गया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा, सीओ ट्रैफिक विनोद कुमार द्विवेदी, टीएसआई बीएन गुप्ता, समाज सेवी योगेंद्र संजय सहित यातायात विभाग के समस्त ट्रैफिक पुलिस और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने अपने शब्द कहे। सारे शहर को वीरान कर दिया। जग नारायण साहब के जो उनका काम करने का तरीका देखा मैंने, और अंदर से इनके अंदर मन में आता कि मैं कुछ अच्छा करूँ, समाज के लिए करूँ। स्कूलों में जाकर काफ़ी इन्होंने वर्क किया, मैंने खुद देखा जाके लोगों से संपर्क करते रहे। सामाजिक रूप से ये अपनी नौकरी तो कर ही रहे थे, लेकिन जैसे एक एनजीओ होता है उसकी तरह ही वर्क कर रहे थे कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, जो मेरा दायित्व है नौकरी में रहकर वो मुझे पूरा करना है। तो बड़ा अच्छा लगता है इसको देखे कि इस उम्र में इतनी ऊर्जा इनके अंदर है। और बाकी मेरी सभी लोगों से गुजारिश होगी, आप की तरह गहराए साहब की तरह सबके अंदर ऐसा ऊर्जा की ऊर्जा के साथ काम करने का एक जज्बा पैदा हो। मेरी शुभकामना है गहराए जी के लिए कि आगे भविष्य इनका बहुत उज्ज्वल हो। अपने रिश्तेदारी में घूमे वो, ये जो यार दोस्त उनके जिनसे नहीं मिल पाए इस नौकरी में रहकर उनसे जाकर मिले, रिश्तेदारों से मिले और एंजॉय करें अपनी लाइफ। कल बात कुछ अचानक ऐसा होता है कि उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों अचानक परिवर्तित हो जाती है। जो भी जाते हैं यहाँ से रिटायरमेंटों के सर है जय नारायण सर जी जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में शायद ये इनके जीवन का अद्भुत क्षण है। आप लोगों के बीच में 60 वर्षों तक रहे हैं और अब एक परिवार से दूसरे परिवार में रह रहे हैं। यद्यपि ये परिवार अब तक इन्हीं का था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो ऊर्जा थी वह जितनी उनके साथ थी उतने आप लोगों के साथ थी, उतनी ही ऊर्जा उनके समाज के लोगों के साथ थी, उतनी ही तटस्थता से वो देखा करते थे कि कौन लोग रेड लाइट सिग्नल तोड़ के जा रहा है, कौन बिना हेलमेट के चल रहा है, कौन यात्रियों को तोड़ते हुए जा रहा है और लाइन में रहे होंगे। तो ये देखते देखते श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर, अत्यंत शालीन स्वभाव के और कभी इरिटेट ना होने वाले और हमेशा ना तो इनके मुंह से निकलते ही नहीं था, भले काम हो या ना हो वो ये हमेशा जो है उसको आदमी को प्रोत्साहन किए रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार्य करने का एक जज्बा, जिनको आप कोई भी काम दे दीजिए लग के उसका निस्तारण करते हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड यातायात जागरूकता विषय में काम किया है, कम से कम कुछ नहीं तो 100 विद्यालयों में इनके द्वारा प्रायोजित किया गया बच्चों को ट्रेन करने के लिए इनके साथ। और ये जाते जाते भी अच्छा काम करना नहीं चुके, आज भी इन्होंने अपनी कारगुजारी करते हुए ही यहाँ से जा रहे हैं। इनको 15,000 के आसपास एक वर्ष में रुपए मिले आज की बात है, और उसमें एटीएम कार्ड सब कुछ कार्ड था। इन्होंने उसके मालिक को फ़ोन किया, उसको बुलवाया और यहीं पे ही हमारे ट्रैफिक कार्यालय में उसको समर्पित किया। तो जो जिसका जज्बा इस प्रकार का हो तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति सदैव सकारात्मक सोचता है कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए वो सकारात्मक ही रहेगा, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करेगा और कभी कष्ट को कष्ट के रूप में अनुभव नहीं करेगा। मैं जगनारायण जी के लिए
उनके आने वाले अग्रिम पारी के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज के बाद इस विभाग में नहीं होंगे, लेकिन बाकी चीजें जो इनकी एक्टिविटीज यथावत रहेंगी, और हम लोग आपसे यातायात जागरूकता के लिए सदैव आपको आमंत्रित करते रहेंगे, और आप ही जाके विद्यालयों में यातायात जागरूकता करेंगे। और हमारे उस टीम के दो मेंबर हैं, श्रीवास्तव जी हैं और गौड़ साहब हैं, दो लोग जो है आपकी टीम के सक्रिय मेंबर हैं, और ये तिकड़ी जो है कभी नष्ट नहीं होने देंगे हम इसको, ये लगातार चलती रहेगी। इसी के साथ मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे छोटे भाई, समस्त कर्मचारीगण, और जिसके बिना यह ट्रैफिक विभाग शून्य है, जिस तरीके से शरीर में प्राण के बिना शून्य, उस तरीके से अब तो ऐसी अनिवार्यता हो गई है कि बिना गृह रक्षक दल के कोई भी विभाग चलना असंभव है। ऐसे गृह रक्षक दल जो हमारे यातायात को सहयोग दे रहे हैं, होमगार्ड बंधु, और आज यू कहा जाए कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय, जिन्होंने एक अजीब और चेतनापूर्ण योजना का सृजन किया है, इन्होंने बीजारोपण किया है। और आप तो कम दिनों के मेहमान हैं यहाँ, हम सारे लोगों का यह दायित्व तो बनता है कि जो पेड़ लगा करके जा रहे हैं उसको हम अभिसिंचित करते रहे, ताकि वह आगे चल करके पुष्पित और पल्लवित होता रहे। यह क्रिया जो फेयरवेल कहिए चाहे विदाई समारोह कहिए, वह और मुझे अपार खुशी इस बात की हुई है कि महोदय ने मुझे अवगत कराया अभी कि यह सिर्फ ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर की और सिपाही की नहीं है, अभी तो हमारे होमगार्ड भी अगर यहां से रिटायर जाएंगे तो उनकी भी इसी क्रम में बिदाई की। मैं इनके इस विशाल हृदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मक्दम करता हूं। एकदम साफ साफ दिखाई साहब आ जाएंगे हम लोग, संजय जी हमारे हिंदी के लेकर आप सभी सर, तुम्हारे हमारा